सर ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हम लोगों ने स्थापित किए हैं यहाँ पर बसंत एवेन्यू फेस 11 पर, श्रीमान विजय गर्ग जी हैं जो इसके मुख्य व्यवस्थापक और मुख्य संचालक हैं, वो ही हैं सिर्फ, और कोई अभी ट्रस्ट हम लोगों ने नहीं बनाया है। जो इसके बनाने वाले हैं वो श्रीमान विजय गर्ग जी हैं। अगर बात की जाए 12 ज्योतिर्लिंगों की, ये तो देश के अलग अलग हिस्सों में ही है, तो आप यहाँ पर कैसे उनको स्थापित किया? सर ये श्रीमान विजय गर्ग जी, विजय अग्रवाल जी हैं, उनकी हार्दिक इच्छा थी, वो किसी एक ज्योतिर्लिंग पर गए सोमनाथ पर, तो उनकी वो हार्दिक इच्छा थी कि मैं भी जीवन में जो है 12 ज्योतिर्लिंग एक ही स्थान पर बनाऊं। और लोग जो दूर दूर लोग केदारनाथ या उज्जैन या सोमनाथ या मल्लिकार्जुन, लोग जगह जगह द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और पूरे जीवन में मुश्किल से लोग 4 या 6 या 10, मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने 11 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं पर 12 वो भी नहीं कर पाए। उन लोगों के लिए श्रीमान विजय गर्ग जी ने कि भाई कोई वृद्ध व्यक्ति होता है 12 ज्योतिर्लिंगों को नहीं कर पाता है, कोई पूरे जीवन में भी 12 ज्योतिर्लिंगों को नहीं कर पाता है, तो उसके लिए उन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि 12 ज्योतिर्लिंगों की सभी लोग दर्शन कर सकें और सभी इससे कृतार्थ हो सकें। किसी विशेष मास में ये 12 इकट्ठे ज्योतिर्लिंग की जो है जो जब करते हैं यात्रा, उसका कोई विशेष कोई है लाभ? विशेष लाभ शिवरात्रि का है, शिवरात्रि का विशेष महात्म्य माना जाता है। शिवरात्रि में भगवान शंकर का 4 पहर की पूजा होती है, और इस शिवरात्रि पर 2020 के शिवरात्रि 21 को हमने यहाँ पर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करी है। और इन 12 ज्योतिर्लिंगों को सिर्फ ऐसा नहीं कि राजस्थान से या किसी अन्य जगह से हमने पत्थर से तराश करके ज्योतिर्लिंग बना दिए हैं, उसके लिए हम लोगों ने जो है जैसे जो है केदारनाथ है, मध्य प्रदेश में उज्जैन है, महाकालेश्वर, सोमनाथ है, जहाँ जहाँ ये ज्योतिर्लिंग है वहाँ वहाँ से हम लोग जो है पत्थर जो है हम लोगों ने जो है स्टोन इकट्ठा करके जो है ढा करके फिर यहाँ पर जो हम लोगों ने तराशा है, जिससे हमें 7 से 8 साल यहाँ पर उनको तराशने में और लाने में दूर दूर से लाने में समय लग गया। और समय लगने के बावजूद 12 ज्योतिर्लिंगों को हमने जो है, मैंने ये समझ लीजिए जैसे जगह जगह की भूमि हम लोग इकट्ठे करते हैं, वैसे हमने हर ज्योतिर्लिंग के स्थान से वहाँ का स्टोन इकट्ठा कर करके और फिर यहाँ पर तराश करके फिर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कराई है। ये इसकी मुख्य विशेषता है, इससे सारे लोग कृतार्थ होंगे। मैं यही बताना चाहूँगा कि जो ये 12 ज्योतिर्लिंग है, सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको पहले बता दी कि भाई कोई भी अगर ज्योतिर्लिंग बनाता है तो इतने दूर से पत्थर नहीं मंगा सकता है, कोई सोमनाथ जाएगा, कोई केदारनाथ जाएगा, कोई उज्जैन जाएगा। हम लोगों ने जो 7 से 8 साल में 2012 से हम लोग जो है ये प्रयासरत हैं कि भाई हम पत्थर पहले स्टोन इकट्ठा करें और इकट्ठा करके जो है उसको फिर हमने राजस्थान से जो है उसको तराशने वाले जो है यहाँ पर बुलाए, फिर जाके जो उनको तराश करके आज जो हमने 2020 में 21 तारीख को जो है यहाँ पर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों की प्राण प्रतिष्ठा करी है। उससे पहले जो है श्रीमान विजय गर्ग जी का ये विशेष आग्रह था कि भाई हम लोग जो है भगवान शंकर की जो पीछे आप मेरी बैक साइड में आप देख रहे हैं छवि, भगवान शंकर की अति उत्तम प्रतिमा ऐसी बनाई, उसके लिए हमने जो है उड़ीसा से जो मुख्य कलाकार होते हैं उन कलाकारों को बुलाया और उनके द्वारा जो है ये जो है निर्मित जो है जो 70 से 90 फुट जो है इसकी लंबाई बताई जाती है शंकर की, इसको बनाया गया 2012-13 में। तो उसके बाद ये द्वादश ज्योतिर्लिंग भी हमारे स्थापित हो चुके हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी लुधियाना वासी हैं, पंजाब के वासी हैं या अन्य प्रदेशों के लोग हैं, तो मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि भाई आप लोग यहाँ पर जो है आएँ और अपने को कृतार्थ करें और भगवान शंकर का आशीर्वाद दें, क्योंकि यहाँ पर जो भी मनोकामना व्यक्ति मांगेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ये मेरा अपना मानना है। और उसके बावजूद जो प्रतिष्ठाएं होती आज के युग में, आम प्रतिष्ठाएं होती है, लोग सरलता से प्रतिष्ठा कर देते हैं, हम लोगों ने इसका विधिवत उत्तराखंड से विद्वान बुला करके प्रतिष्ठाएँ की है, जैसे जल में, अन्न में, फल में, फूल में, इत्र में, धन में, सभी चीज़ों में इनकी प्रतिष्ठाएँ की है। किसी के अंदर प्राण भरना, जैसे जीव के अंदर जो है आत्मा भरी जाती है तो वो जीव चल पाता है, बोल पाता है, ऐसे ही पत्थर से किसी चीज़ को भगवान बनाना है तो उसको आत्मा देनी पड़ती है, उसके लिए हमने प्रतिष्ठा करने के लिए बड़े बड़े विद्वान यहाँ से विद्वान जो है हमने उत्तराखंड से बुलाए और इनको जो है शिवरात्रि में यहाँ पर स्थापना की। मेरा भगवान से यही प्रार्थना है, श्रीमान विजय गर्ग जी, उनकी श्रीमती, उनकी पत्नी जो है अरुणा देवी जी हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीमान दिनेश गर्ग जी हैं, उनके कनिष्ठ पुत्र अमित गर्ग जी हैं, उनकी जो है बड़ी बहू शीतल गर्ग है, छोटी बहू ज्योति गर्ग जी हैं, उनके पौत्र पौत्री आदि जो भी लोग हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि इनके वंश में ऐसे
धार्मिक किरदार, धार्मिक कर्म करने वाले जो है वंश में ऐसे बच्चे पैदा हो जो ऐसा धर्म कार्य करें, क्योंकि जीवन में पैसा हर व्यक्ति कमाता है, उस पैसे को लगाना कहाँ है यह हर व्यक्ति की बुद्धि के अंदर नहीं आता है। कोई कोई व्यक्ति होता है कि जो ऐसा धर्म कार्य करता है। तो मेरा भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसे इनके वंश में जो है आगे भी बच्चे पैदा हों, जिससे जो है धर्म का विस्तार हो, धर्म की हमेशा चर्चाएँ चलें और ऐसे मंदिर बनते रहें। इस बार 21 फरवरी को शिवरात्रि वाले दिन हमने बाबा ज्योतिर्लिंग की स्थापना करवाई है, और मैं सभी लुधियाना निवासियों से, पंजाब वासियों से, सभी देशवासियों से ये अपील करती हूँ कि वो यहाँ आएं और शिव भगवान की कृपा प्राप्त करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जो पिताजी, हमारे पिताजी हैं, वो 2011 में सोमनाथ गए थे। जब वो सोमनाथ गए, उन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, तो बस वहीं से उनके मन में भाव आ गया कि मैं भी लुधियाना में बसंत एवेन्यू में ऐसा मंदिर बनाऊंगा। और आप यहाँ का वातावरण देखिए, यहाँ पर इतनी शांति है कि कोई भी जो यहाँ पर आएगा, माथा टेकेगा, भगवान करे उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, और उसको यहाँ पर आकर बहुत शांति मिलेगी। क्योंकि यही जो मंदिर बनाया गया है, जो जिस जगह पे बनाया गया है, वहाँ पर कोई अभी इतनी, आप देख लो कि अभी इतनी आबादी नहीं है, इतनी शांति है कि आपको वैसे ही इतनी शांति यहाँ पे आके महसूस हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए, दर्शन करें और उसका लाभ प्राप्त। ये जो मंदिर है, इसका निर्माण कार्य देखिए, हमने तो यही सोचा है, हमारे पिताजी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 सालों में हम ये मंदिर फुल कम्प्लीट कर दें। हमने जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी है, ऐसे इसके जो बीच का भाग है, उसके बीच में हम राधा कृष्ण जी और हनुमान जी, देवी जी, राम परिवार को स्थापित करने का अभी हमारी मतलब कि घर में विचार विमर्श चल रहा है। और इसके अलावा हमने एक हॉल बनाया, जो हम सत्संग हॉल जिसको हम कहते हैं, कि वहाँ पर हम कथा समय समय पर शिव पुराण की कथा, भागवत कथा, जो भी मतलब कि आपको पता है कि जो भी होता है वो हम करवाते रहेंगे। और मैं यही सबसे अनुरोध करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, अंदर बोले।